क्वेश्चन है लेटेस्ट ट्रेंड्स इन स्कूल मैनेजमेंट। एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को कैसे लर्न करना है और पॉइंट कौन से अच्छे हैं। मैंने अपनी जो लेटेस्ट मेरी बुक है, क्योंकि बल्कि बड़ी थी, दैट इज़ वाई शायद आप तक नहीं पहुंची होगी, स्कूल मैनेजमेंट की इस बुक में से ही मैं अपने पॉइंट्स ये बना के आपको करा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर वो पॉइंट नहीं डिटेल में करवाऊँगा, उनको याद कैसे करना है डिटेल में भी करवाऊंगा, थोड़ी ब्रीफ में रखूंगा, डिटेल में नहीं कराऊंगा। तो ये याद कैसे करना है, मैंने यूज़ किया है इसी को, एब्रिवेशन को, लेटेस्ट ट्रेंड्स इन स्कूल मैनेजमेंट। सबसे पहले इसी को लिख लेना है, इसके आगे एक वर्ड लिख लेना है यहाँ पर ही। याद करने का तरीका बताता हूँ, सीधा याद हो गया, यहाँ से पक्का, PUCQ पक्का, पक्के लेटेस्ट ट्रेंड्स इन स्कूल मैनेजमेंट, इससे याद रखना है। यहाँ मैंने लिख लिया पहले वर्ड PPPCCC, चार बार सी लिखा है, एक बार क्यू लिखा है, सिर्फ एक याद रखने, पक्के से ये शब्द जुड़ गए हैं। अब इनसे मेन पॉइंट जुड़ रहे हैं साथ में, उनको साथ में याद करेंगे। सबसे पहले है पी से पॉलिसी, पॉलिसी मेकिंग, मेकिंग भी पूरा लिखना है, अगर नहीं लिखना है, लिखने से याद रहता है, एक बार आपने लिख लिया है ना। पॉलिसी मेकिंग मतलब प्राइवेट इंडस्ट्री या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के पॉलिसी बनानी है, ये बात है। दूसरा पॉइंट है प्लानिंग, आगे डिटेल में देखते हैं प्लानिंग और पॉलिसी में क्या फ़र्क है। तीसरा है प्रोफेशनल डेवलपमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट नेचुरली है कि जो टीचर्स हैं उनकी होगी, स्टाफ है उसकी होगी, उसके लिए क्या है, वर्कशॉप्स, सेमिनार्स, जहाँ एक्सपर्ट प्रोफेशनल है उनसे हेल्प लेते हैं। लेटेस्ट ट्रेंड में सी से शुरू हो रहे हैं, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन किसके, ये आपका स्कूल है और ये दूसरा स्कूल है, इस स्कूल की इस स्कूल के साथ कोऑर्डिनेशन, मतलब इसके रिसोर्सेज इसको बांटे जाएंगे। वैसे इंडिया में, पंजाब में ये हो भी रहा है कि जो ग्रुप बन रहे हैं अब, जो नज़दीक स्कूल हैं वो जो मटेरियल है, लर्निंग रिसोर्सेज हैं, दूसरे रिसोर्सेज हैं, वो शेयर करेंगे अब, ये लेटेस्ट ट्रेंड है। कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव को क्रिएटिव भी कह सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव कैसे रहना है, बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है ना वो शेयर करनी है। एक स्कूल की कोई अच्छी बेस्ट प्रैक्टिस है, कोई इनोवेटिव मेथड है, मेथड ऑफ टीचिंग है, लर्निंग है, कुछ भी बेस्ट है, है ना, तो दूसरे टीचर, दूसरे स्कूल से शेयर करना है, वो नॉर्मली फॉर्मली होता है, वर्चुअल भी हो सकता है। नेक्स्ट है कम्युनिटी, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट दो तरह से हो सकती है, फाइनेंशियल कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट जैसे पंजाब या इंडिया में होता है कि एक गवर्नमेंट स्कूल है, उसके इर्द गिर्द जो जो जिस गांव में वो देश है वहां से NRI या रिच पीपल हैं वो स्कूल के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। दूसरा फीडबैक है कि कम्युनिटी से फीडबैक लेनी है कि क्या हम ठीक कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं और कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लासरूम मैनेजमेंट, तो इसमें आगे चल के देखते हैं क्या डिटेल है, क्या उसे है, क्वालिटी इंश्योरेंस, क्वालिटी इंश्योरेंस के लिए एक टीम विद इन स्कूल बनती है जो जिसका निरंतर काम होता है ये देखना कि क्वालिटी इम्प्रूव हो रही है कंटिन्यू, वो किस बेस पर के फीडबैक ले रहे हैं, फीडबैक डिफरेंट सोर्सेज से, स्टेक होल्डर से ले रहे हैं। ये हो गए हमारे 8 पॉइंट। आगे है वर्ड लेटेस्ट, लेटेस्ट को L को मैंने उठाया है, L से क्या है, लीडरशिप, लीडरशिप कौन सी होगी, दो बातें हैं, एक तो प्रोफेशनल जो है इनवाइट किए जाएंगे हेड्स को और जो प्रिंसिपल हैं उनकी लीडरशिप को डेवलप करने के लिए, डोमिनेट क्या करना है, डेमोक्रेटिक लीडरशिप डेवलप करनी है। नेक्स्ट है एक्टिविटी, एक्टिविटी ओरिएंटेड, स्कूल में एक्टिविटी, अब ट्रांसमिशन, बुकिश नॉलेज, नॉलेज बेस्ड और पैसिव लर्नर, ये वाली बातें ख़त्म। टी से कुछ नहीं है, ई से एक्सपेरिमेंटेशन, मतलब के
अगर कोई टीचर इनोवेटिव मेथड अडॉप्ट करना चाहता है, नए ढंग से पढ़ा के देखना चाहता है और उसकी इफ़ेक्टिवनेस इवेलुएट आप कर सकते हो, अगर वो एक्सपेरिमेंट में बेटर मेथड मिलता है तो वो मेथड अप्लाई करने के लिए अलाउ किया जाता है। एस से साइंटिफिक, स्पेलिंग गलत हो सकते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट, मैनेज इतना ही लिखा है। इसका दूसरा सेम पॉइंट है, आगे मैंने बुक में भी दो बार इसको लिखा है, इसको डाटा ड्रिवन बेस्ड डिसीजन मेकिंग, ये पॉइंट बनता है। कोई भी वर्ड यूज़ कर लीजिए, एक बार यूज़ कर लीजिए। तो डाटा कहाँ से कलेक्ट करना है, डाटा करेंगे स्टूडेंट से, स्टेक होल्डर से कलेक्ट, उनकी परफॉर्मेंस देखेंगे, उसके बेस पर फर्दर प्लानिंग की जाएगी। डाटा बताएगा कि किस एरिया में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। टी से कुछ नहीं बनेगा। नेक्स्ट चलेंगे लेटेस्ट ट्रेंड्स, इसको भी वर्टिकल कर लेंगे ट्रेंड्स को। टी कुछ नहीं है, खाली। आर से रिसर्च कौन सी, एक्शन रिसर्च को प्रमोट किया जाएगा। ई एक्सपेरिमेंटेशन हो चुका है, यहाँ कुछ नहीं आएगा। एन से कुछ नहीं है। डी से दो तीन पॉइंट बनते हैं, एक है डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, सेंट्रलाइजेशन क्या है कि सेंटर पहले डिसीजन बनाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने ये बनाया, ऊपर मिनिस्ट्री से डिसीजन होता है और यहाँ नीचे अप्लाई होगा, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में लोकल लेवल पर डिसीजन बनेंगे, फिर ऊपर को बताया जाएगा। यहाँ लोकल जो पंचायत हैं, जहाँ लोकल कम्युनिटी है, लोकल अथॉरिटी है, वो डिसीजन ले सकती है, उनको फ्रीडम दी जाती है डिसेंट्रलाइजेशन में। तो ये ऐसे क्या होता है कि लोकल नीड्स जो हैं उसके बेस पर प्लानिंग होती है और स्कूल मैनेजमेंट बेटर होती है। डी से एक और पॉइंट है, डाटा ड्रिवन वाला पीछे हो गया। यहाँ और है डिवीज़न ऑफ वर्क, जो जिसकी एक्सपर्टाइजेशन जिस फील्ड में है उसको वैसा काम दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं करिकुलम, जा मुझे कॉलेज में हर वक्त जो हमेशा ही किस कमेटी में रखा जाता था, जो लाइब्रेरी से है, एकेडमिक है, बुक्स के साथ है, बुक्स हमेशा ही हर कॉलेज में मेरी जिम्मेवारी रही। तो वो देखते हैं कि किसका इंटरेस्ट और कॉम्पिटेंस किस में है, उसमें उसको वर्क दिया जाता है। एस से भी बना लीजिए, सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 17, उनको शामिल करिकुलम में किया जाएगा, करिकुलम प्लानिंग में। सस्टेनेबिलिटी होती क्या है कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम रिसोर्सेज छोड़ के जाएंगे या नहीं। लेटेस्ट ट्रेंड्स इन, आई से आ गया, आई को उठाएंगे नंबर वन। आई से ICT, इंटेग्रेशन ऑफ न्यू डिवाइसेस आएगा, इंक्लूसिव एजुकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, लर्निंग डिसेबल्ड मार्जिनलाइज सेक्शन को इंक्लूड करना है, उनको भी अच्छा फील हो स्कूल में, क्लास में। इंटर रिलेशन, ICT को याद रखने के लिए क्या इसमें करना है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स ये ऐड हो रहे हैं। उसकी बेस्ट एग्जांपल मूडल भी है, ये जो जूम पर अब हम ऑनलाइन कोविड पीरियड में पढ़ते रहे हैं कि एक ही टाइम पर पढ़ाया जा सकता है, फाइल शेयर की जा सकती है, डिस्कशन की जा सकती है, लर्निंग मैनेजमेंट, यूट्यूब वाले ये बहुत यूज़ कर रहे हैं। लास्ट है स्कूल, वर्ड छोड़ दिया था, स्कूल का सी उठा सकते हैं, यहाँ मैनेजमेंट लिख लिया, ये पूरा पॉइंट है। ट्रेंड्स इन मैनेजमेंट भी एक पॉइंट बनता है, दूसरा एम से उठा सकते हैं, एक तो एम से मैनेजमेंट ये उठा लिया, लिखा है दैट इज़ वाई नहीं लिखूंगा। हाँ, जी से है ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन में वर्चुअली दूसरी कंट्री के स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन, एक्सचेंज प्रोग्राम, ऐसे कुछ करना, अब हम वर्चुअली फिजिकली जाने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। एम से एक और है मैथड्स ऑफ एवेल्यूएशन, न्यू मैथड्स ऑफ एवेल्यूएशन, तो वो तो पता है टेट में जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, एवेल्यूएशन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, CCE कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव एवेल्यूएशन, इसमें कौन सा है फॉर्मेटिव, है ना, और पोर्टफोलियो एवेल्यूएशन, ऐसी दो तीन बातें कर देनी है बस। अब देखते हैं
कि ये इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। तो ट्रेंड्स क्या होता है, जनरल डायरेक्शन इन विच समथिंग इज डेवलपिंग और चेंजिंग, तो ये चेंज के इशारे हैं। इसकी इंट्रोडक्शन में ये आप लिख सकते हो अगर लिखना चाहते हो। इसमें मेन है कि शिफ्ट इन एजुकेशनल प्रैक्टिसेस पॉलिसीज एंड अप्रोचेस दैट आज ऑब्जर्व इन प्रिडिक्टेड विद इन ए फील्ड। तो एजुकेशन में, स्कूल में जो पॉलिसीज प्रैक्टिसेस और अप्रोचेस यूज़ की जाती हैं उनकी बात इसमें करेंगे। हिंदी में भी साथ में ये आप कर सकते हो, यहाँ से दे सकते हो। इंट्रोडक्शन आपने देनी है तो ये नई ज़रूरतों को, चुनौतियों को, अवसरों को दर्शाता है जिससे हम उनको पूरा कर सकें। ये पॉइंट्स हैं, अब एक एक पॉइंट मैं उसमें दिखा देता हूँ जल्दी जल्दी से। डिसेंट्रलाइजेशन, डिसीजन मेकिंग अब लोकल लेवल में होगी। दूसरा है ग्लोबलाइजेशन, एक्सचेंज प्रोग्राम जो अदर कंट्री के साथ किए जा सकते हैं। हिंदी में साथ साथ में दिखाना पड़ेगा, ये रहा। और नीति निर्माण, इसमें क्या डिफरेंस है ये देखना होगा। नीति निर्माण में अगर आप डिटेल चाहते हो इसमें कि स्कूल पार्टनर बन सकता है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ। प्लानिंग का क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को एनहांस किया जाता है। फॉर एग्जांपल वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम दैट अलाइन विद इंडस्ट्री नीड। अब स्कूल में स्टूडेंट्स को ऐसे स्टूडेंट वो स्किल्स डेवलप करनी है जो इंडस्ट्री की नीड है। ये इकोनॉमिकल डेवलपमेंट या इकोनॉमिक आस्पेक्ट को सामने, एम्प्लॉयबिलिटी को सामने रख के ये पॉइंट बनता है। ट्रेंड्स इन मैनेजमेंट, हाँ ये टेक्निकल आस्पेक्ट है, इसमें क्या क्या हो सकता है। दिस में इन्वॉल्व इम्प्लीमेंटिंग परफॉर्मेंस मैट्रिसेस बन जाती है। परफॉर्मेंस मैट्रिसेस एक टेबल है जो डिटेल परफॉर्मेंस, हर पर्सन की डिटेल परफॉर्मेंस बताता है, सामने आ जाती है सबसे ज़्यादा कौन काम कर रहा है, कैसे कर रहा है। अकाउंटेबिलिटी मेजर, कौन जिनको काम सौंपे जाते हैं वो अपने काम के लिए कितने रिस्पॉन्सिबल है और आके हेड्स को बताते हैं कि हमने ये काम कर दिया। और ये जो है क्वालिटी को इन्हांस करने की एक प्रैक्टिस है। और ये सबसे मैनेजमेंट में ये देखो पॉइंट बन रहे हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग सिस्टम, ये इतना इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल जो लोकल गवर्नमेंट है, जहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है या स्टेट लेवल पर, गवर्नमेंट कहती है कि हम बजट जो फाइनेंस एलोकेट करेंगे, जो स्कूल सबसे अधिक परफॉर्मेंस देगा उसको नेक्स्ट टाइम अधिक बजट, अधिक फंड्स, अधिक फाइनेंस मिलेगा। तो ये एक तरह का कॉम्पिटिशन हो गया कि परफॉर्मेंस अधिक दिखाओ, इस लेवल की दिखाओ, इतना बजट मिलेगा, ऐसी बातें हैं। क्वालिटी एश्योरेंस है, रेगुलर असेसमेंट टू आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट फीडबैक के बेस पर, हिंदी में भी देख लें। ये योजना के पॉइंट हो गए, प्रबंधन के जो अभी मैं तीन पॉइंट डिस्कस करके आया हूँ, और ये गुणवत्ता जो रेगुलर इम्प्रूवमेंट के एरिया को फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट है रचनात्मकता, क्रिएटिविटी या कंस्ट्रक्टिविटी, उसमें क्या है कि इनोवेशन जो आप कर रहे हो उसको शेयर करना है। फॉर एग्जांपल बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करना है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन किसके साथ, एजुकेशनल स्टेक होल्डर के साथ। वो स्टेक होल्डर्स ने क्या क्या शेयर करना है, स्टेक होल्डर एजुकेशनल कौन से हैं, वो पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, कम्युनिटी मेंबर हैं, और ये रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टाइज विद द नेबरिंग स्कूल। ये एग्जांपल नहीं देनी तो ये एग्जांपल दे सकते हो कि आप अपने रिसोर्सेज और एक्सपर्ट अपने नज़दीक जो स्कूल है वो एक्सचेंज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत अच्छा मैथ्स का टीचर है, फिज़िक्स का टीचर है, तो आप अपने फिज़िक्स के टीचर को दूसरे स्कूल में कभी कभी भेजते हो और मैथ के टीचर को उनका जो लैंग्वेज में एक्सपर्टाइज वो लैंग्वेज का टीचर इधर आके टीच करता है, ऐसी बातें हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट, वो डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, ये बता चुका हूँ, ओवर दो पॉइंट दिए गए हैं, आपने एक यूज़ करना है। परफॉर्मेंस डाटा टू स्टूडेंट, परफॉर्मेंस डाटा टू आइडेंटिफाई एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो डाटा को यूज़ करना है। हिंदी में साथ साथ में देख लें, ये सामान्य हो गया, वैज्ञानिक प्रबंधन हो गया, और ये आपका हो गया स्वतंत्र और प्रयोग, एक्सपेरिमेंटेशन।
फ्रीडम दी जाती है एक्सपेरिमेंटेशन की, नया मेथड ऑफ टीचिंग है फॉर एग्जांपल, आपको अलाउ किया जाएगा, एक्सपेरिमेंट कीजिए। अच्छा, एजुकेशनल लीडरशिप इसके डेवलपमेंट प्रोग्राम है, प्रोफेशनल जो है वो इनवाइट्स किए जाते हैं कि हमारे हेड्स को आप डेवलप कीजिए, नई स्किल्स बताइए, लीडरशिप स्किल्स बताइए। डेमोक्रेटिक लीडरशिप को ही डेवलप करना है, हिंदी में साथ साथ में है, नेतृत्व का हो गया। नए उपकरणों का एकीकरण, इंटीग्रेशन बनाया था ना, इंटीग्रेशन का पॉइंट था नए उपकरणों का। एम्फसिस ऑन क्लासरूम मैनेजमेंट, अच्छा ये इंटीग्रेशन का हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ न्यू डिवाइसेस फॉर एग्जांपल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले मोबाइल को क्लासरूम में ले जाना मना था, लेकिन अब मोबाइल को, टैबलेट को, लैपटॉप को यूज़ करना है लर्निंग के लिए, ये पॉइंट बनता है इंटीग्रेशन ऑफ न्यू डिवाइसेस। क्लासरूम मैनेजमेंट पर जो है एम्फेसाइज करना है। बिहेवियरल मैनेजमेंट टेक्निक्स है, पॉजिटिव बिहेवियरल मैनेजमेंट टेक्निक। फॉर एग्जाम्पल, बिहेवियरिज्म को यहाँ अप्लाई किया जाता है कि आपने जो बच्चा जब अच्छा करता है तो उसको ज़्यादा फोकस करना है, रीइन्फोर्स करना है, रिवार्ड देना है, नेगेटिव को पहले इग्नोर करना है, कम फोकस करना है, धीरे धीरे बच्चा पॉजिटिव की तरफ बढ़ता जाता है, उसके नेगेटिव को पनिश करने की बजाय ये बेटर नया ट्रेंड है कि पॉजिटिव पर ज़्यादा फोकस किया जाए। आईसीटी की एप्लीकेशन को इन्हांस करना है ये, तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम टू डिलीवर ऑनलाइन कोर्सेज, ये कोविड की बात पहले भी हुई है, हिंदी में साथ में कक्षा प्रबंधन, ये आप खुद नोट कर लीजिए। आईसीटी का जो उपयोग करना वो बढ़ाना है। दूसरा है परस्परिक संबंधों को जो म्यूचुअल जहाँ इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स है ना, जो इंटरपर्सनल लिखा था वो है, वो किसके साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यहाँ पर जाके कहाँ पर बनाऊँ, यहाँ पर, हाँ, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मीन के स्टाफ टीचर्स हैं, हेड्स हैं, है ना, प्रिंसिपल हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ है, तो इनके आपस में संबंध, इनके आपस में संबंध, ये संबंध जब तक अच्छे नहीं हैं तब तक अच्छा स्कूल नहीं परफॉर्म कर सकता, ये रियलिटी है। अच्छा, स्पेशलाइजेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क, ये बताया था कि आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी जिसमें आप एक्सपर्ट हो, हिंदी में आप परस्परक संबंध हो गए, विशेषज्ञता कार्य विभाजित हो गया। अनुसंधान एक्शन रिसर्च पर जोर देना है। गतिविधि उन्मुख शिक्षा एक्टिविटी ओरिएंटेड एजुकेशन, ये हो गया। स्पेशलाइज एम्फेसिस ऑन रिसर्च, मतलब के एक्शन रिसर्च पर इसमें क्या हो सकता है, प्रोजेक्ट टू एक्सप्लोर इनोवेटिव टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड इन, अच्छा एक्टिविटी ओरिएंटेड, इसमें भी आप प्रोजेक्ट मेथड की, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग एक्टिविटीज़, हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट्स, इनकी बातें कर सकते हैं। कम्युनिकेशन विद पार, ये मैंने इसको और ढंग से बनाया है पीछे। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, जो NRI की बात की है, फाइनेंशियल और फीडबैक की बात की है, है ना, उसकी बात यहाँ करनी है। इम्प्रूव्ड मेथड ऑफ इवेल्युएशन, वो क्या है, CCE है, फॉर्मेटिव है, पोर्टफोलियो है, इनको यूज़ करना है। डाटा ड्रिवन, ये पहले से ओवरलैप कर रहा है, एक ही यूज़ करना है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जो पैडागॉजिकल टीचिंग स्किल्स है टीचर्स की डेवलप करनी, टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ करनी है क्लासरूम में, कल्चरल कॉम्पिटेंसी कैसे डेवलप करनी है, मल्टीलिंगुअलिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म कैसे उसको यूज़ करना है एज ए रिसोर्स, एबिलिटी टू मीट द डाइवर्स नीड्स ऑफ स्टूडेंट, ये बातें प्रोफेशनल डेवलपमेंट की में की जाएगी। लास्ट इंक्लूसिव एजुकेशन है, जो डिसेबल्ड है उनको भी शामिल करना है, मार्जिनलाइज सेक्शन है उनको शामिल करना है, उनको वेलकम फीलिंग करनी है। सस्टेनेबिलिटी है, सस्टेनेबिलिटी में प्रमोट इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस एंड इंटीग्रेट एनवायरमेंटल लिटरेसी इनटू करिकुलम, ये स्कूल मैनेजमेंट में पॉइंट बनते हैं, हिंदी में हैं। ये देख लीजिए, समुदाय को के साथ जुड़ना है, शमूलियत करनी है उसकी, मूल्यांकन के बेहतर तरीके हैं, और ये हो गया डाटा संचालित निर्णय लेना, व्यवहारिक विकास है, और ये रहा लास्ट समावेशी शिक्षा, एक और है पॉइंट, थोड़े ज़्यादा बन गए सॉरी, स्थिरता पर्यावरण शिक्षा, दैट इज़ ऑल।
तो ये था लेटेस्ट ट्रेंड इन स्कूल एजुकेशन। अगर आप चाहते हो कि बाकी के क्वेश्चन भी मैं ऐसे कराऊं कि सिर्फ अगर उन्होंने करना है कि ब्रीफ में पॉइंट लर्न करने हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नीचे मैं लिंक दे दूंगा जो बाकी के ऐसे टॉपिक किए गए हैं। किसी भी बीएड के सेम का कोई भी टॉपिक आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो, एमएड का कर सकते हो, और भी कोई कर सकते हो। थैंक यू। डॉक्टर धीरज सिंह, लर्न टू एक्सलेंस।